गुड आफ्टरनून क्लास गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू तो आज हम देखेंगे मैकेनिक्स ठीक है मैकेनिक्स लेक्चर नंबर टू के बी पाई के पी वाई के लिए ठीक है चलो स्टार्ट करें क्या स्टार्ट करें क्या जल्दी बताइए फास्ट चलो ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठीक है <coughs> फुल सिलेबस टेस्ट के बारे में ठीक है तो आप ये केवीपी वाई के फुल सिलेबस टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो जिससे आप अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हो इज इट क्लियर आप अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं बहुत सारे पेपर बनाए गए हैं जिससे आप अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हो ठीक है तो आप इसको परचेज करोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ठीक है इसको परचेज करने के लिए आप हमारे कैरियर पॉइंट के ई लर्निंग वेबसाइट ठीक है ई कैरियर पॉइंट से आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी ठीक है आप वहां से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हो इज इट क्लियर चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर टू हाँ ठीक है तो ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ वे आर एक्सटेंडेड इन टू द स्पेस देन इट वुड पास क्लोज टू ठीक है अगर अर्थ की ध्यान सुना अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक है ये अर्थ है ठीक है लाइक दिस ठीक है ऐसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन हा या ना हेलो मोहम्मद सावेज कैसे हो बेटा कैसे हो हाउ आर यू ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा बेटा ठीक है आप इसको ट्राई कर सकते हो आप इसको ट्राई कर सकते हो ठीक है तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक है अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये कहां से पास करेगी ठीक है ये कहां से पास करेगी मोहम्मद हेलो चलो तो पहला क्या दिया है कि मून से फर्स्ट ऑप्शन सेकंड क्या बोला है कि सन से पास करेगी क्या थर्ड क्या बोला है पोल स्टार अच्छा आगे क्या बोल रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑल प्लोनेट इन द सोलर सिस्टम ठीक है तो हमें पता है कि ये जो पोल्स होते हैं ठीक है पोल स्टार पोल स्टार कहां पे होता है पोल स्टार कहां पे होते हैं पोल्स पे, है? पे होते हैं क्या पोल स्टार पे होते हैं पोल्स पे तो जब आप इसकी एक्सिस को एक्सिस को एक्सटेंड करोगे तो ये कहां से पास करेगा जल्दी बताओ बात समझ में आ रही है क्या क्योंकि जो अर्थ की एक्सिस होती है वो कहां से पास होती है पोल से पास होती है क्या ये बात समझ में आ रही है क्या इज इट क्लियर टू एवरी वन इज इट क्लियर टू एवरी वन ठीक है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा द पोल स्टार बात समझ में आई क्या चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू ठीक है क्वेश्चन नंबर टू ठीक है दो मिनट का समय है आप लोग के पास ठीक है यू हैव टू मिनट ट्राई दिस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट यू हैव टू मिनट्स ठीक है क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं हूँ टोटल वेट सेवेंटी फाइव किलोमीटर ठीक है है विथ टोटल वेट सेवेंटी फाइव किलोमीटर ड्रॉप वर्टिकली ऑन टू सैंडी ग्राउंड ठीक है पैरासूट से ऊपर जा रहा है ये कुछ पैरासूट से ऊपर जा रहा है अब ये क्या बोला है कि वो गिर गया पैरासूट से ये क्या किया गिर गया तो क्या बोल रहा है सैंडी सॉयल में गिरा सैंडी ग्राउंड कहां पे गिरा सैंडी ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ टू मीटर ठीक है ओके तो मान लिया ये है ग्राउंड सैंडी ग्राउंड बहुत सारे सैंड रखे हुए किस स्पीड से गिरा ये ठीक है किस स्पीड से गिरा ये मीटर पर सेकेंड ऐसा बोल रहा है किस स्पीड से गिरा टू मीटर पर सेकेंड एंड कम्स टू हॉल्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ जीरो गिरने के बाद ये कहां पे आता है रेस्ट में आफ्टर ट्रेवलिंग कितना डिस्टेंस बोल रहा है टू जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर क्या ये बात समझ में आ रही है क्या तो ये टू मीटर से गिरा सैंड के ऊपर और ये अंदर कितना चला गया जीरो पॉइंट टू फाइव सैंड के अंदर कितना धस गया जीरो पॉइंट टू फाइव क्या ये बात समझ में आ रही है क्या ये बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है आगे क्या बोला है द एवरेज फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड ऑन हर इज क्लोज टू ठीक है to, तो पूछ रहा है एवरेज कितना फोर्स सैंड ने लगाया होगा एवरेज सैंड ने कितना फोर्स लगाया होगा पहले तो मुझे सब लोग एक बात बताएंगे अगर ये गिरा सैंड पे ठीक है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ये थी जस्ट बिफोर हिटिंग टू द सैंड। सैंड को हिट करने से जस्ट पहले कितनी वेलोसिटी थी टू मीटर पर सेकेंड हिट करने के बाद हुआ क्या सैंड ने इसको अपवर्ड की तरफ फोर्स लगाया सैंड ने क्या किया अपवर्ड की तरफ फोर्स लगाया कुछ ठीक है जिसकी वजह से ये क्या हुआ रिटार्ड किया सैंड ने रिटार्डिंग फोर्स लगाया ऊपर की तरफ जिसकी वजह से ये रिटार्ड किया और फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो गई जीरो क्या ये बात समझ में आ रही है क्या क्या ये बात समझ में आ रही है क्या अच्छा तो कितना अच्छा होता अच्छा इसका मास कितना दिया हुआ है 75 फाइव के जी मास दिया हुआ है हमें सेवेंटी फाइव के जी हमें ये मास भी दिया हुआ है बात समझ में आ रही है क्या अब एक बात बताओ मुझे अगर मुझे एक्सिलेशन मिल जाता किस एक्सिलेशन से ये रिटार्ड हो रहा है ठीक है इसकी वेलोसिटी किस रेट से डिक्रीज हो रही है यानी कि रिटार्डेशन मिल जाता तो मैं रिटार्डिंग फोर्स निकाल लेता क्या ये बात समझ में आ रही है क्या अच्छा मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है फाइनल वेलोसिटी पता है तो क्या मुझे ये पता है क्या इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है वी स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस क्या सब लोगों ने ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है क्या वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस फाइनल वेलॉसिटी कितनी हो होगी जीरो इनिशियल ध्यान से देखना इनिशियल टू मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू होगा ये रिटार्ड कर रहा है ध्यान सुना ये रिटार्ड कर रहा है तो एक्सेशन हमें निकालना है मैंने मान लिया एक्सेशन ए है मैंने मान लिया एक्सेशन कितना है ए है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 0.25 मीटर तो ये हो जाएगा 0.25 क्या ये समझ में आया क्या क्या ये समझ में आया क्या कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सलेन फ्रॉम हियर कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सलेन फ्रॉम हियर वाई नॉट श्योर टू स्क्वायर देखो ये इधर गया तो माइनस फोर इज इक्वल टू टू इंटू पॉइंट टू फाइव कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव इंटू एट क्या ये समझ में आया क्या क्या ये समझ में आया क्या ये हो गया माइनस फोर टू इंटू पॉइंट टू फाइव पॉइंट फाइव अच्छा ए कितना आ जाएगा यहां से जल्दी बताओ पॉइंट फाइव नीचे जाएगा तो वन बाई टू यानी कि एट माइनस एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन कितना आ गया माइनस एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अच्छा एक बात बताओ ये जो नेगेटिव है ट के साथ माइनस का जो साइन है वो हमें क्या बता रहा है ये जो एट के साथ नेगेटिव नेगेटिव आया तो ये माइनस का साइन हमें क्या बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो पर्सन है ये जाते समय अंदर जाते समय क्या करेगा रिटार्ड करेगा इसका मतलब अगर वेलोसिटी इसकी इधर है तो एक्सीन इधर होगी अपोजिट टू वेलोसिटी इसीलिए एक्सीन क्या आया नेगेटिव इसीलिए एक्सेशन क्या आया नेगेटिव यानी कि ये क्या करेगा रिटार्ड करेगा और फाइनली में आ जाएगा जीरो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो तो यहां से मुझे एक्सीलरेशन मिल गया अच्छा हमें यह पता है क्या एफ इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ एफ इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ एफ इक्वल टू क्या होता है एम एफ इज़ इक्वल टू मास कितना है सेवेंटी फाइव कितना है माइनस एट अच्छा तो फोर्स कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा जल्दी बताओ 600 न्यूटन माइनस सिक्स न्यूटन ध्यान से सुनना फोर्स कितना है माइनस सिक्स न्यूटन माइनस ये बता रहा है हमें कि ये जो फोर्स लगेगा जो ये सैंड इस ऑब्जेक्ट पे इस पर्सन पे जो फोर्स लगाएगा वो ऊपर की तरफ लगाएगा तो माइनस हमें नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि जो ये सेंट फोर्स लगाएगा ये ऊपर की तरफ लगाएगा क्या यह बात समझ में आ रही है क्या इज इट क्लियर टू यू ये जो सैंड है इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा इसीलिए ये नेगेटिव आ रहा है मैग्नीट्यूड कितना होगा 600 इज इट क्लियर इज इट क्लियर आई होप इट इज क्लियर टू यू आई होप इट इज क्लियर टू यू चलो आगे बढ़े क्या आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से सब लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड अ बॉल इज लॉन्च फ्रॉम द टॉप ऑफ ए माउंट एवरेस्ट ठीक है बॉल को लॉन्च किया माउंट एवरेस्ट के टॉप से अच्छा विच इज एट एन एलिवेशन ऑफ नाइन थाउजेंड मीटर ठीक है नाइन थाउजेंड मीटर बोला है यानी कि अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो ध्यान से देखो अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो वो हाइट कितनी हो जाएगी नाइन किलोमीटर हाइट कितनी हो जाएगी नाइन किलोमीटर आगे क्या बोला है द बॉल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ तो ये था अर्थ ठीक है अर्थ की रेडियस कितनी होती है जल्दी बताओ अर्थ की रेडियस सिक्सटी फोर हंड्रेड किलोमीटर अप्रॉक्स कितनी होती है सिक्सटी फोर हंड्रेड किलोमीटर अच्छा ये जो हाइट है ये कितनी है नाइन किलोमीटर ये रहा माउंट एवरेस्ट ये हाइट कितनी है नाइन किलोमीटर जस्ट नाइन किलोमीटर बहुत छोटी हाइट यहां से एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया और ये बोला ऐसे सर मोशन कर रहा है अब ठीक है ये किसी ऑर्बिट में अब मोशन करने लगा ऐसा कुछ बोल रहा है ध्यान से सुना द बॉल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ द एक्सेसन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सर्फेस इज जी अर्थ सर्फेस के जो नियर एक्सेसन ग्रेविटी है वो कितनी है जी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सिलेशन ऑफ वॉल द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीन बॉल्स एक्सिलेशन वाइल वाइल इन ऑर्बिट इज ठीक है तो ये पूछ रहा है इस बॉल की जिसको हमने इस हाइट से लॉन्च किया है इसकी एक्सीलेशन कितनी होगी ठीक है तो सब लोग ट्राई करेंगे एक बार सब लोग एक बार ट्राई करेंगे फिर हम इसको डिस्कस करते हैं सब लोग इसको एक बार ट्राई करेंगे फिर हम इसको एक बार डिस्कस करते हैं सॉल्व दिस ट्राई टू सॉल्व दिस

क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा ठीक है फिर हम डिस्कस करते हैं चलो डिस्कस करें क्या क्वेश्चन डिस्कस करें क्या जल्दी बताइए फास्ट हाँ चलो क्या बोल रहा है कि इसको लॉन्च किया अब ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है अब ये पूछा है कि इसका एक्सप्रेशन कितना होगा ठीक है तो पहले तो मुझे ये बताओ अगर ये अगर ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ठीक है तो ये क्या वेलोसिटी चेंज कर रहा है क्या क्या ये वेलोसिटी चेंज कर रहा है क्या पहले बिल्कुल अच्छा वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो इसके पास एक कौन सी एक्सिलेशन होगी कौन सी एक्सिलेशन होगी सेंटीमीटर इस केस में ये जो एक्सीन ड्यू टू ग्रेविटी है एक्सीन ड्यू टू ग्रेविटी यही किसका काम करेगी सेंट्रीपिटल एक्सीन का यही किसका काम करेगी सेंट्रीपिटल एक्सिलेशन का अच्छा मुझे पहले तो एक बताओ हाइट हाइट के साथ और जी डेस इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच बाई आर ठीक है सर ये क्या लिखा है आपने सर

मतलब होता क्या है जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे जो जी की वैल्यू है एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है हेलो राहुल हाउ आर यू जो एक्सीेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हाइट के साथ क्या होती है डिक्रीज होती है बात समझ में आ रही है क्या अच्छा डेप्थ के साथ क्या होता है ये डेप्थ के साथ भी क्या होता है डिक्रीज होता है एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट और डेप्थ दोनों के साथ क्या होता है डिक्रीज होता है अच्छा यहां पे हाइट कितने हाइट से फायर किया गया था नाइन किलोमीटर तो हम हाइट का अगर फॉर्मूला यूज करें ध्यान से देखना जीडेस इज इक्वल टू जी वन माइनस टू इंटू हाइट कितना नाइन हंड्रेड मीटर इसको किलोमीटर में करोगे तो कितना होगा नाइन किलोमीटर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कितना सिक्स फोर डबल जीरो क्या ये बात समझ में आ रही है क्या है सर वेरी गुड राहुल ठीक है चलो तो ये कितना हो गया? रेडियस सिक्स फोर डबल जीरो किलोमीटर अच्छा एक बात बताओ ऊपर कितना हो गया नाइन इंटू टू एन डिवाइड बाई सिक्स फोर डबल जीरो नियरली कितना हो गया जीरो पॉइंट समथिंग जीरो पॉइंट जीरो जीरो आएगा क्या ये बात समझ में आ रही है क्या जिसको हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं वन माइनस समथिंग करोगे तो ये क्या आएगा जीरो पॉइंट नाइन नाइन तो जीडेस की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगी जी के इक्वल आएगी क्या ये बात समझ में आ रही है क्या राहुल थैंक यू बेटा थैंक यू सो मच ठीक है तो जो जीडेस की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी जी के इक्वल आएगी क्या ये बात समझ में आ रही है क्या इसका मतलब ये नियरली किसके इक्वल होगा ये नियरली किसके इक्वल होगा जी के इक्वल होगा ये नियरली किसके इक्वल होगा जी के तो आपको यहां पे ये दो फॉर्मूले याद करने हैं आपको यहां पे ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए फर्स्ट वाला वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेफ अर्थ सरफेस से गहराई में जाओगे अर्थ के अंदर जाओगे तो जी की वैल्यू कम होती है किस रेट से कम होती है इस रेट से ठीक है अर्थ अगर आर बाई टू अंदर चले गए तो डी की जगह पर क्या लिखेंगे डेप्थ आर बाई टू तो हमको क्या मिलेगा एक्सीन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ दर बाई टू क्या यह बात समझ में आई क्या अगर किसी हाइट पे 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 चाहिए हमें ड्यू टू ग्रेविटी तो हम यहां h की वैल्यू लिख देंगे वहां बात समझ में आई क्या चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जल्दी से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो जल्दी से आंसर बताओ क्या बोल रहा है अ प्लेनेट इज ऑर्बिटिंग द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट ओके ट यू डिनोट्स द पोटेंशियल एनर्जी एंड के डिनोट द कानेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट के डिनोट्स द कानेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट एंड आर्बिट्री पॉइंट ऑन द ऑर्बिट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा आपको यह बताना है जल्दी से सॉल्व करो ठीक है दो मिनट है आप लोगों तो के पास जल्दी से इसको ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए फास्ट राहुल ट्राई दिस बेटा चलो ठीक है तो इनमें रिलेशन क्या होता है ध्यान से सुना मेरी बात इनमें रिलेशन क्या होता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल ठीक है और ये इक्वल होता है हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बात समझ में आई क्या इनमें ये रिलेशन होता है इसका मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के और वो पोटेंशियल एनर्जी का मेट्रूट का आधा होता है क्या ये बात समझ में आ रही है क्या तो यहां से आप देख सकते हो अगर हमें ये इक्वेट करें अगर हम ये इक्वेट करें तो यहां से क्या आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो किस काइनेटिक एनर्जी के टू टाइम्स है तो U इज ग्रेटर देन K क्या ये बात समझ में आ रही है क्या U इज ग्रेटर देन K इज ग्रेटर देन के यू का जो मैनिट्यूड होगा वो काटिक एनर्जी के मैंट्यूड से क्या होगा ज्यादा होगा इज इट क्लियर इज इट क्लियर आपको यह रिलेशन याद रखना है आपको यह रिलेशन याद रखना है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज मेंटेन इन नियरली अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ अ Mean altitude, mean altitude, altitude का मतलब height of 330 altitude कितना दिया है मतलब इसी एल्टीट्यूड पे मैक्सिमम टाइम रह रहा है ठीक है इसीलिए इसको क्या बोला है मीन एल्टीट्यूड एल द मैक्सिमम ऑफ फोर टेन ठीक है मैक्सिमम एल्टीट्यूड कितना जाता है उसका फोर हंड्रेड टेन एन एस्ट्रोनोट इज फ्लोटिंग इन द स्पेस स्टेशन केबिन, ठीक है अच्छा द एक्सिलेशन ऑफ द एस्ट्रोन एज मेजर फ्रॉम द अर्थ इज इस एस्ट्रोनोट का इस का अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना एक्सिलेशन होगा आपसे ये पूछा है बात समझ में आ रही है क्या जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका सोच के जल्दी से बताइए वॉट विल वी द आंसर व्हाट विल वी द एक्सिलेशन ऑफ दिस एस्ट्रोनॉट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अर्थ के रेस्पेक्ट में इसकी क्या एक्सेलेशन होगी ठीक है सोच के जल्दी से बताइए फास्ट ओके राहुल ए होगा सर ओके ठीक है चल देखते हैं क्या बोल रहा है द एक्सप्रेस ऑफ द एस्ट्रोन फ्रॉम द फिफ्थ रेस्पेक्ट टू अर्थ ठीक है तो अर्थ के में बोल रहा है ध्यान से सुना मेरी बात अर्थ के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है पहला बोला है जीरो क्या बोला है नियरली जीरो एंड डायरेक्टेड द अर्थ नियरली जी एंड डायरेक्टेड अलॉन्ग द लाइन ऑफ ट्रेवल ऑफ द स्टेशन नियरली जी एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ ठीक है तो ये क्या होगा नियरली जी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ ध्यान से मेरी बात सुनना ध्यान से मेरी बात सुनना ठीक है पहले तो ये बताओ क्या एस्ट्रोनॉट भी मूव कर रहा है क्या क्या एस्ट्रोनॉट अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है क्या एस्ट्रोनॉट अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है क्या ये रहा अर्थ ये रहा स्पेस स्टेशन ये रहा एस्ट्रोनॉट तो क्या ये अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है क्या ठीक है एक बात बताओ क्या इसकी क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या हां इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है चेंज हो रही है एक बात बताओ वेलोसिटी तो चेंज हो गई क्या वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सलेशन तो होगा ही होगा एक्सलेसन तो होगा ही होगा किसके इक्वल होगा जी के इक्वल किसके इक्वल होगा जी के इक्वल और वो किधर की तरफ होगा टूवर्ड्स द अर्थ अर्थ के तरफ सेंट्रीपिटल और ये एक्सप्रेशन किसकी काम तरह काम करेगा सेंट्रीपिटल एक्सिलेशन की तरफ क्या ये बात समझ में आ रही है क्या क्या ये बात समझ में आ रही है क्या हेलो चंदन यू चंदन यू चंदन कुमार इज इट क्लियर ठीक है तो यह अच्छा क्वेश्चन था यह एक अच्छा क्वेश्चन था इज इट क्लियर चलो आगे बढ़े क्या हाँ ठीक है अब बात करते हैं ठीक है अब बात करते हैं बुक्स के बारे में ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने दो ठीक है सॉल्व पेपर डिजाइन किए हुए हैं ऐसे एस बी एंड एस एक्स के लिए जो भी बच्चे जो भी बच्चे ऐसे एस बी एंड एस एक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने सॉल्व पेपर भी तैयार किया हुआ है आप इसको परचेज कर सकते हो आपको जस्ट कैरियर पॉइंट के वेबसाइट पे विजिट करना है या फिर आप ई कैरियर पॉइंट लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो ठीक है इस पेपर में आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे क्या होगी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी बात समझ में आ रही है क्या और आप अपने रैंक को भी इससे बूस्ट कर सकते हो इज इट क्लियर क्या यह सबको समझ में आ रहा है क्या जल्दी बताइए हाँ सर ओके ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सब लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए अ बॉक्स वेन हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग ऑफ फिफ्टी के जी ठीक है फिफ्टी के जी की रीडिंग बता रहा इफ द सेम बॉक्स इज हंग्रॉम से वहां से जितनी भी एयर थी सब निकाल दी इवेक्यूटेड मतलब वैक्यूमेट क्रिएट कर दिया क्या क्रिएट किया वैक्यूम क्रिएट कर दिया ठीक है आगे क्या बोल रहा है सेम बॉक्स हंग फ्रॉम द स्प्रिंग बैलेंस इन साइड अवैक्यूएटेड चेंबर द रीडिंग ऑफ द स्केल विल बी ठीक है अब स्केल की रीडिंग क्या होगी पचास केजी के जी से कम होगी ज्यादा होगी इक्वली रहेगी इसके बारे में आपको कमेंट करना है ठीक है सब लोग ट्राई करेंगे राहुल वॉट विल यू द आंसर राहुल राज क्या लगता है बेटा क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका राहुल वॉट यू थिंक वॉट विल यू द आंसर इसका आंसर क्या होगा राहुल जल्दी बताओ चंदन व्हाट डू यू थिंक बेटा व्हाट विल बी द आंसर जल्दी बताइए जल्दी फास्ट चलो ठीक है ध्यान से देखो ठीक है ध्यान से देखना एक स्प्रिंग बैलेंस है ठीक है तो मैंने माना ठीक है ये स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस ऐसे ही कुछ होता है यहां पे इसकी रीडिंग बताती है ऐसे कुछ होता है ठीक है अच्छा ये रीडिंग कितनी बता रही अभी 50 के एक मास को इसमें लटकाया हुआ है मैंने तो ये रीडिंग कितनी बता रही है फिफ्टी के जी हाँ ना? नहीं सर पता चल रहा है ओके कोई बात नहीं ध्यान से देखो इधर राहुल इधर देखो ध्यान से ये मास जी एम की वैल्यू फिफ्टी के जी और ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो कितनी रीडिंग बता रहा है फिफ्टी के जी पहले तो मुझे ये बताओ ये जब एयर में होगा ठीक है एयर में होगा तो एयर इस पर क्या फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ बाय फोर्स लगा रहा होगा एयर इस पे क्या लगा रहा होगा बायस फोर्स लगा रहा होगा क्या ये बात समझ में आ रही है क्या जब ये एयर में होगा तो एयर इसपे ऊपर की तरफ बाय फोर्स लगा रहा होगा क्या ये बात समझ में आ रही है क्या क्या ये बात समझ में आ रही है क्या तो ये जो मास है इसपे ऊपर की तरफ क्या लगा रहा होगा बाय फोर्स ठीक है अब होगा क्या जैसे ही आपने वैक्यूम क्रिएट किया एयर को इवेक्ट किया क्या बोला है द सेम स्प्रिंग बैलेंस इज इन साइड इवेक्एटेड चैम्बर इवेक्युटेड का मतलब पूरा एयर निकाल दिया वैक्यूम क्रिएट कर दिया ऐसा तो जैसे इसको वैक्यूम क्रिएट करोगे क्या होगा जल्दी बताओ वैक्यूम क्रिएट करोगे तो ये रहा स्प्रिंग बैलेंस ठीक है ये रहा इसमें मास नीचे की तरफ एक्ट करेगा वैक्यूम क्रिएट किया कोई एयर नहीं है कोई एयर नहीं है तो ये जो बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था क्या ये यहाँ पे लगेगा क्या क्या ये यहाँ पे बाइंट फोर्स लगेगा यहाँ पे बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था क्या यहाँ पे बॉइंट फोर्स लगेगा क्या नहीं लगेगा यहाँ पे बॉइंट फोर्स नहीं लगेगा तो <Speech transcript> जो नेट फोर्स है वो पूरा एन जी आ जाएगा यहाँ पे ये जो रीडिंग बता रहा था ध्यान से सुनना रहा यहाँ पे ये जो रीडिंग बता रहा था 50 के जी जो रीडिंग बता रहा था वो मास की एम जी माइनस एफ बी बता रहा था क्या ये समझ में आ रहा है क्या यहां पे जो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग बता रहा था वो किसकी रीडिंग बता रहा था एम जी माइनस एफ बी की रीडिंग कितनी बताया पचास के जी क्या ये समझ में आया क्या यहां पे ये जो रीडिंग होगी ये किसकी बताएगा रीडिंग ध्यान से सुनना रीडिंग यहां पे किसकी बताएगा एम जी की बताएगा अच्छा एम जी माइनस एफ बी पचास के जी था तो सिर्फ एम कितना होगा पचास से ज्यादा होगा हाँ है ना अरे इसमें से ये सब्टेक्ट किया एम में से ये क्वांटिटी सब्टेक्ट की तब जाके पचास के जी रीडिंग बताया यहां से कुछ सब्टेक्ट नहीं करेंगे तो इसकी रीडिंग क्या होगी पचास से ज्यादा तो ये क्या बताएगा मोर देन फिफ्टी के जी बिकॉज द एटमोसफियरिंग बॉयसी फोर्स विल बी अपसेंट यहां पर एफ होगा तो ये रीडिंग पचास के से ज्यादा बताएगा रीडिंग 50 के से ज्यादा बताएगा क्या यह सबको क्लियर है क्या क्या यह सबको क्लियर है क्या जल्दी बताइए राहुल राहुल बेटा इज इट क्लियर टू यू चंदन इज इट क्लियर जल्दी बताओ क्या यह सबको क्लियर हुआ क्या क्या यह सबको क्लियर हुआ क्या तो यह एक अच्छा क्वेश्चन था ठीक है राहुल राहुल क्लियर हुआ अब राहुल इज इट क्लियर नाउ राहुल इज इट क्लियर जल्दी बताओ हाँ सर ओके वेरी गुड ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ठीक है अगला क्वेश्चन सब लोग पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे जी सर ओके वेरी गुड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे काफी अच्छा क्वेश्चन है ठीक है यू हैव टू मिनट्स ठीक है आपके पास दो मिनट है जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो ठीक है जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो चलो सब लोग ट्राई कर रहे हैं क्या सब लोग ट्राई कर रहे हैं जल्दी से ट्राई कीजिए सॉल्व करने की इसकी कोशिश कीजिए ठीक है अच्छा क्वेश्चन है फ्रिक्शन का क्वेश्चन है ठीक है काफी अच्छा क्वेश्चन है शेयर मी राहुल व्हाट डू वांट टू शेयर राहुल क्या शेयर करने के लिए बोल रहे हो बेटा आप चलो ठीक है क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ठीक है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सी सी ओके सी है सर चलो देखते हैं बेटा सी आ रहा है कि क्या आएगा अ बॉक्स वेन ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट रीचेज टू द ग्राउंड विथ अ स्पीड वी ठीक है तो एक बॉक्स को ड्रॉप किया ठीक है बॉक्स को ऐसे ड्रॉप किया तो ग्राउंड पे स्पीड किस स्पीड से पहुंच रहा है वी स्पीड से

जब बॉल को जब ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप किया जब ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप किया तो ये वी स्पीड से ग्राउंड को हिट करती है ऐसा बोल रहा है और जब उसी को इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड किया जहां पे फ्रिक्शन है तो वो वी बाई थ्री से बॉटम तक पहुंचता है ऐसा बोल रहा है द कोफिशियंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लेन अच्छा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कराए कि फ्रिक्शन कोफिशियंट कितना होगा क्या यह बात समझ में आ रही है क्या फ्रिक्शन कोफिशियंट कितना होगा चैनल सर ओके राहुल डोंट वरी ठीक है आप कैरियर पॉइंट की वेबसाइट पे जा सकते हो या फिर ई कैरियर पॉइंट ई कैरियर पॉइंट आप सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पे तो आपको ई कैरियर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हो वहां से वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी ठीक है ई कैरियर पॉइंट चलो तो देखो पहले तो बोल रहा है ये केस ध्यान से सुनना सब एक ऑब्जेक्ट को पहले तो मुझे बताओ एक ऑब्जेक्ट है ठीक है इसको ड्रॉप किया एच हाइट से ये हाइट कितनी है एच ठीक है यहां पे यू जीरो मान लिया यहाँ पे वेलोसिटी वी है जिस जैसा कि यहां पे बोला भी है वेलोसिटी कितनी है वी अच्छा क्या हमको ये पता है क्या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है V square is equal to इनिशियल velocity zero plus two g acceleration क्या होगा यहां पे ड्रॉप करोगे तो g के बराबर तो two g हाइट कितनी है h तो यहां से v की value कितनी आ जाएगी root two g h क्या ये समझ में आया क्या ये जो velocity है v ये कितना आ जाएगा root two g h हाँ या ना आगे बढ़ते हैं अब ये बोल रहा है कि ये इंक्लाइन प्लेन है सेम हाइट यह हाइट कितनी है एच ये एंगल 45 डिग्री हा है ना इस पॉइंट को बोला ए बी सी अच्छा साइन 45 बताओ साइन 45 कितना होगा पर अच्छा इसको मैंने बोला एल

स्लाइड किया, U U यहां पे v U किया. जीरो तो ध्यान से देखो क्या आएगा v स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर v बाई थ्री है तो v स्क्वायर अपॉन थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन तो v स्क्वायर इजकल टू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस टू इंटू माना कि इसकी एक्सलेसन कितनी है ए इसकी एक्सलेसन कितनी है ए टू एस एस कितना है जल्दी बताओ एल हो? के बराबर एल यानी कि रूट टू एच ये हो गया रूट टू टाइम्स एच क्या ये समझ में आया क्या अच्छा एक बार बताओ वी कितना है रूट टू जी एच वी स्क्वायर कितना होगा टू जी एच ये हो गया टू जी एच बाई नाइन इजिकल टू टू ए ना टू ए इंटू टू एच अच्छा टू से टू कैंसिल आउट जी से जी कैंसिल आउट यहां से ए की वैल्यू के एच से एच कैंसिल आउट ए की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बताओ सॉरी ये नाइन है वेट अ सेकेंड ये 9 है, ठीक है नीचे नाइन है जी नहीं है नाइन है तो ये हो जाएगा टू से टू कैंसिल आउट एच से एच कैंसिल आउट ठीक है टू एच टू एच ए इज इकल टू क्या आ जाएगा यहां पे जी अपॉन नाइन और ये रूट टू ये आ जाएगा ए की वैल्यू क्या ये समझ में आया क्या एक्सीलरेशन इज इकल टू जी अपॉन नाइन रूट टू एक्सीलरेशन इज इकल टू जी अपॉन नाइन रूट टू तो हमें एक्सलेशन मिल गया ब्लॉक का इस कांस्टेंट एक्सलेशन से ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा अच्छा एक बात बताओ जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसकी एक्सलेशन क्या लगेगी जी साइन थीटा हाँ या ना एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा एम जी साइन थीटा तो एक्सलेशन जी साइन थीटा ऊपर की तरफ क्या लगेगा फ्रिक्शन म्यू एम जी यानी कि म्यू जी थीटा इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना आया है g बाई नाइन रूट टू इसका मतलब ध्यान से सुनना g साइन थीटा माइनस न्यू जी कॉस्टा इजिकल टू जी अपॉन नाइन रूट टू इजिकल टू जी अपॉन नाइन रूट टू क्या ये समझ में आया क्या जी अपॉन नाइन रूट टू अच्छा जी साइन थीटा यानी कि फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव यानी हो जाएगा जी बाई रूट टू माइनस म्यू जी कॉस फोर्टी फाइव टू तो रूट टू क्या ये समझ में आया क्या अच्छा रूट टू से रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट ये क्या बचेगा जी माइनस म्यू जी इज इक्वल टू जी अपॉन 9 म्यूजी को उधर ले गया जी बाई नाइन को इधर लाया तो ये क्या हो जाएगा जी माइनस जी अपॉन नाइन इज इक्वल टू म्यू जी उधर जाएगा तो पॉजिटिव जी माइनस जी अपॉन नाइन कितना हो जाएगा जल्दी बताओ जी माइनस जी अपॉन नाइन कितना हो जाएगा एट जी अपॉन नाइन एट जी अपॉन कितना हो जाएगा नाइन इज इक्वल टू टू जी इज इक्वल टू यू इंटू जी अच्छा जी से जी कैंसिल आउट तो μ की वैल्यू कितनी आ गई μ इज इक्वल टू एट बाई नाइन यू इज इक्वल टू एट बाई नाइन ठीक है कौन सा आंसर आया जल्दी बताओ आगरा ठीक है कौन सा आंसर आया आगरा एज इट क्लियर एज इट क्लियर आंसर क्या आएगा आगरा एट बाय नाइन राहुल क्या ये समझ में आया बेटा राहुल राहुल क्या ये आपको समझ में आया क्या बेटा जल्दी बताइए फास्ट इज इट क्लियर इज इट क्लियर राहुल क्या ये क्लियर हुआ क्या सबको इज इट क्लियर टू एवरी वन जी सर ओके वेरी गुड ठीक है वेरी गुड जी सर ओके चलो ठीक है अब बात करते हैं थोड़ा एआईटीएस के बारे में ठीक है तो बच्चों कैरियर पॉइंट आप लोग के लिए लेके आया है एआईटीएस यानी कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ठीक है नीट के लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लेके आया है जिसमें बहुत सारे आपको पेपर्स देने को मिलेंगे ठीक है ऑफलाइन पेपर डिस्कशन भी होगा जिसमें आप चाहो तो कैरियर पॉइंट कैरियर पॉइंट पे विजिट करके आप पेपर को भी डिस्कस कर सकते हो और आपको कोई भी डाउट्स हो किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी डाउट्स हो आप फैकल्टी के साथ उस डाउट्स को डिस्कस भी कर सकते हो इज इट क्लियर ठीक है आपको बहुत सार सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे कि डाउट काउंटर ठीक है सॉल्विंग काउंटर्स डाउट सॉल्विंग काउंटर्स तो यहाँ पे आप अपने डाउट्स को भी लेके आके ले आ सकते हो और उसको क्लियर कर सकते हो ठीक है आई होप आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा के का ठीक है जो मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर थर्ड है ठीक है मैकेनिक्स का मैकेनिक्स के बी पी वाई का लेक्चर नंबर थर्ड है वो अब कल परसों होगा ठीक है कल नहीं अब वो परसों होगा ठीक है तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे ठीक है लेक्चर नंबर थर्ड में बेटा आप <coughs> कैरियर पॉइंट की वेबसाइट पे विजिट कर लो एक बार या फिर एप डाउनलोड कर लो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी राहुल ठीक है ई कैरियर पॉइंट ई कैरियर पॉइंट ऐप ठीक है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इज इट क्लियर राहुल ठीक है तो आज के लिए इतना ही बेटा बाय बाय टेक केयर